हेलो गाइस, होप करता हूँ सभी अच्छे हैं। मेरा नाम वीर सेन सिंह है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए जो कनाडा आ रहे हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उनको रखनी चाहिए। क्या होता है कि आप कनाडा आते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें ज़रूरी थी और उसको मैं नहीं लाया, प्रायोरिटी किसी और सामान को आप देते हो। एक तो आपके पास किसी जैसे मैं आया था तो एक लिमिटेड लगेज होता है, जैसे 27 किलो से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। अगर आपके पास एक लगेज है तो बहुत सारी फ्लाइट्स जैसे एयर कनाडा 2 लगेज देती हैं, तो उसमें आपका काफ़ी सामान आ सकता है। बट बेसिक सामान जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जो लोग भूल जाते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। पहले स्टार्ट करता हूँ, अगर विंटर इनटेक है या जनवरी इनटेक आप लेते हो तो आपको एक मोटा सा जैकेट लेना चाहिए, जैसे कि -15 या -20 डिग्री आपका जो टेम्परेचर वो झेल ले। नॉर्मल जैकेट से नहीं होगा, जो इंडिया में नॉर्मली मिलते हैं। आप डिकैथलॉन में चले जाना, टेम्परेचर देख लेना, वहाँ से ले लेना। अब आते हैं सेकंड पे। जब आप यहाँ पे फ्लाइट से लैंड करते हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है कि सॉकेट नहीं मिलता है। जैसे आप होटल में रुके तो आपको 3-पिन टाइप का एक सॉकेट चाहिए होता है, जिससे जैसे इंडिया का सॉकेट डिफरेंट होता है यहाँ से, तो आपके जो सेलफोन है या लैपटॉप है आप इजीली चार्ज कर सको। ये लोग भूल जाते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है। तीसरा, आप लैंड करते हो, यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है, विंटर जैकेट लाया वो पहन लिए, लेकिन सॉक्स शूज़ जो नॉर्मल शूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से जब आते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ रहते हैं वो विंटर यहाँ के काफ़ी हार्श होते हैं, एक्चुअली स्नो पड़ती रहती है तो वो झेल नहीं पाते हैं। तो एटलीस्ट 2-3 मोटे मोटे सॉक्स ले आना, जिसकी वजह से आप क्या होगा कि आप उसको डबल करके पहन लोगे तो आपको विंटर जो 3-4 दिन का पीरियड होता है, इसमें आप GIC नंबर लेते हो या नियर बाई ग्रोसरी स्टोर पर जाते हो, वो चीज़ आपका मेंटेन हो जाता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि प्राइमरी चीज़ तो GIC नंबर ही होता है, उसके बाद जॉब घर भी देखना होता है। तो शॉपिंग के लिए लोग मोस्टली जाते हैं वो विद इन आप कह दो 3 या 4 दिन बाद जाते हैं मोस्टली, तो वो जो 3-4 दिन का पीरियड है वो मेंटेन हो जाता है। अब आते हैं उसके बाद का स्टेप, लोग कैश कितना लाएँ, जैसे अब इंडिया से हम कितना कैश ले आएँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो करीब करीब यहाँ पे $1200 के आसपास ले आओ, $1200 आपका वही बन जाता है करीब करीब 1.5 लाख के आसपास। इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ आपका कोई रहता नहीं रिलेटिव, तो आप आओगे होटल में रुकोगे या हॉस्टल्स में रुकोगे जहाँ पे पैसा सस्ता पड़ जाए। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप रूम पता लगाने जाते हो, कोई रूम पसंद आ जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के एक साथ आते हैं, तो आपको अप फ्रंट वहीं पे 2 महीने का वो बोलता है कि अगर आप मुझे 2 महीने का रेंट दे दो तो मैं आपको रूम दे देता हूँ, 400 या 450, इसी के रेंज में रूम मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अगर वहाँ पे आपके पास कैश नहीं तो आप जाओगे वापस कहीं से ढूंढ के लाओगे, तब तक वो रूम चला जाता है, क्योंकि सारे लड़के एक साथ ही आते हैं। अगर रूम पसंद है दो स्पॉट, आप 2 महीने का फ्रंट रुपए उसको दे दो तो करीब करीब $900 तो वहीं चले जाते हैं। उसके अलावा आपको प्रेस्टो कार्ड बनवाना पड़ता है, जो कि TTC नॉर्मल जो बस यहाँ पे चलती हैं उसको हम TTC बोलते हैं, पूरे ऑल ओवर टोरंटो में चलती हैं, तो आपको उसमें रिचार्ज करना पड़ता है। उसमें कैश भी दे दोगे चल जाएगा, बट वो लेना ही पड़ता है, तो मोस्टली आप जाओगे वहाँ पे भी आपको पैसे लग जाएंगे, तो ₹1200 बड़े आराम से निकल जाते हैं। अब लास्ट पे आते हैं, तो जो आप GIC करने गए या कोई डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसकी एक फ़ोटो स्टेट कर लेना। इवन आप अगर आपके पास रिज्यूमे बना हुआ है तो रिज्यूमे का भी फ़ोटो स्टेट कर लेना, तो यहाँ पे आने पे आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे। फ़ोटो स्टेट का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेज है, लाइक $1, कुछ स्टोर्स $1 लेते हैं, यानी करीब करीब ₹60 एक फ़ोटो स्टेट का लेते हैं, तो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके ₹60 में सारे फ़ोटो स्टेट आ जाएंगे, दो दो एटलीस्ट, तो वो बेसिक चीज़ें रख लेना। और उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि रूम कैसे ढूंढते हैं, या फिर इसके अलावा ग्रोसरीज में क्या क्या खरीदें, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और एक चीज़ और याद रखना, जब आप आओ, अगर आप यहाँ कोई नहीं रहता है कनाडा में, पहली बार अगर आप आ रहे हो, आपको एक मैगी और एक बाउल ज़रूर ले आना, क्योंकि पहले दिन में आप नहीं चाहते कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो, वैसे भी पैसा खर्च होना ही है बाकी बेसिक चीज़ों में, तो जहाँ भी बच सकता वहाँ बचाऊँ। मैगी और ये बाउल में क्यों बोल रहा हूँ, ताकि अगर आप इसको यूज़ कर सको तो अवन में आप आराम से मैगी बना सकते हो, यहाँ पे हर होटल में अवन देते हैं आपको, इवन आपको अगर हॉस्टल्स ले तो एक कंबाइंड किचन भी देते हैं, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप हॉस्टल में नहीं हो, नॉर्मल होटल है, तो वहाँ पे किचन आपको स्पेशली नहीं देंगे, तो वहाँ पे अवन जरूर प्रोवाइड करेंगे, तो अवन में आप आराम से बना सकते हो खाने। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है या फिर किसी भी टाइप का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, ज़रूर मेरे को मैसेज करें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू।